चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा ते गोविंद सिंह नाम कहावा। वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, द ग्लिम्स ऑफ केसरी, जितने भी अक्षय कुमार के फैंस है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जहां हमें लगा था कि एक फुल फ्लेक्स टीजर आएगा या फिर ऑलमोस्ट एक डेढ़ मिनट का कुछ ऐसा वीडियो आएगा जहां पे हम एक पूरी झलक देख पाएंगे फिल्म की। अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाया, लेकिन गाइज जो भी इस 30 सेकेंड का टीजर जिसे ग्लिम्स ऑफ केसरी कहा गया है वो हमारे सामने आता है, बहुत ही बेहतरीन है। द स्लो मोशन, द VFX और जिस तरह से यहाँ पे जो बैटल ऑफ सारागढ़ी का जो एटमॉस्फियर डायरेक्टर ने वापस से क्रिएट करने की कोशिश की है वो बहुत ही उम्दा तरीके से की है, वाकई काबिले तारीफ है। वेल फ्रेंड्स, अनुराग सिंह ने जिस तरह से यहाँ पर उस सीन को यहाँ पर चुना है दर्शाने के लिए, जो सीन बहुत ही महत्वपूर्ण था उस दिन जहां पर 12 सितंबर 1897 में बैटल ऑफ सारागढ़ी की जो अनफॉर्चुनेट घटना थी उसको वहां के अफगान सोल्जर्स ने अंजाम दिया था। 21 सिख सिपाही, 36 सिख रेजिमेंट के जो इंडियन आर्मी के पोस्ट पर वहां पर खड़े हुए थे, तैनात थे वहां पर, किस तरह से 10,000 अफगान सोल्जर्स ने उन पे हमला किया था। और गाइज वहां पर किस तरह से हवलदार इशार सिंह, यस मेरा भाई, हवलदार इशार सिंह इज व्हाट अक्षय कुमार कैरेक्टर इज इन द मूवी ऑफ बैटल ऑफ सारागढ़ी इज, एंड ही अलोंग विथ मोर 20 सोल्जर्स किस तरह से उन्होंने ये जंग को लड़ा था एट द फोर्ट लॉकहार्ट, यही वो कहानी है। वेल फ्रेंड्स, टीजर में जो ये हमें पहला दिखाया जाता है वहां पर हमें वो पोर्शन दिखाया गया है जहां पर द वॉल ऑफ द पिकेट, वॉल ऑफ द पिकेट जो फोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था उसको ये लोग तोड़कर अंदर आ जाते हैं और किस तरह से वो वॉल जो रहती है वो ब्रीच हो जाती है। उसके बाद जो जंग शुरू होती है द बैटल ऑफ सारागढ़ी में, वो एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट रहती है, जो कि जितने भी सिख सोल्जर्स हैं उन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए बोले सो निहाल सच स्त्री अकाल का नारा देते हुए, जिसे सिख बैटल क्राई कहा जाता है, वो शुरू किया था। और किस तरह से ये 13 की रात को शुरू हुआ था और 14 तक चढ़ा था जब तक वो फोर्ट कैप्चर नहीं हो जाता, लेकिन गाइस जिस तरह से 21 सोल्जर्स ने मिलकर इनका सामना किया, अब वो फिल्म में किस तरह से दिखाया जाता है ये देखने लायक रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस फिल्म में रहेगा गाइस उन 21 सोल्जर्स के नाम, उनके कैरेक्टराइजेशन और किस तरह से वो हम तक कनेक्ट करते हैं, वो इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। गाइस धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है तो मुझे नहीं लगता करण जौहर इसमें कोई भी कमी छोड़ेगा टू मेक इट अ स्टेलर। इतने बड़े स्केल पर इस फिल्म को बनाया, ऑब्वियसली इस फिल्म की राइटिंग इज बाय अनुराग सिंह एंड गिरीश कोहली। बात करें गाइस इस ग्लिम्स की तो गाइस जो तलवार है, जो जगमगाती है, जो दुश्मनों के लहू की प्यासी है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया। ऑब्वियसली अक्षय कुमार का फेस रिवील नहीं किया इतना प्रॉपरली, लेकिन जो क्या बोल सकते हैं, जो बोलते ना दहशत अफगान सोल्जर्स के मुंह पर है वो दिखाई गई है, जिस तरह से लोग आते हैं एक टॉप शॉट लिया जाता है, बेहतरीन है। तो कितने ग्लिम्सेस आएंगे इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिलहाल 21 मार्च को यानी कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 38-39 डेज के बाद ये फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली नजदीकी सिनेमा घरों में। आई होप जल्द से जल्द इसका ट्रेलर आए, हम ट्रेलर नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जैसे जैसे ग्लिम्सेस आते जाएंगे मैं आपको द बैटल ऑफ सारागढ़ी के कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता, ताकि आपका इंटरेस्ट इस फिल्म के प्रति और बढ़ जाए। क्योंकि गाइस इस कहानी के बारे में देश विदेश में तो बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियंस लोगों को इसके बारे में इल्म भी नहीं है। बस ये कुछ चुनिंदा पंजाब के टेक्स्ट बुक्स में कुछ चैप्टर्स में है जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते। सो आई होप दिस फिल्म रिमेंबर्स दैट हिस्टोरिक डे वेयर 21 सिख सोल्जर्स हैड गिवन द लाइफ फॉर द नेशन। दिस इज मियां अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।